दोस्तों, अपराध चाहे कोई भी हो, अपराध चाहे कॉग्निजेबल ऑफेंस हो या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, दोनों ही अपराध में देखा जाए तो जो सामने वाला जिस पर वो कंप्लेंट रजिस्टर की गई या फिर जिसके अगेंस्ट एफआईआर करती है, उस व्यक्ति को अरेस्ट होने का खतरा बना ही रहता है और वो सोचता है कि अरेस्ट होने से मैं कैसे बचूं। कई बार वो एंटीसिपेटरी बेल की तरफ जाता है, कई बार अलग अलग रेमेडीज को इस्तेमाल करता है, मैं कैसे उस केस से निकल जाऊं या किस तरह से मैं बचूं उस अरेस्ट से। पर जरूरी नहीं कि आपके पास अगर कोई नोटिस आया 41A का तो पुलिस आपको अरेस्ट ही करेगी। हाँ, वो बात अलग है कि आपके किसी भी केस में अगर इन्वॉल्वमेंट है तो पुलिस आपको अरेस्ट जरूर करेगी, अगर पुलिस के पास कोई भी रीजनेबल डाउट है या रीजनेबल कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं आपके अगेंस्ट। और फिर भी 41A में आपको बुलाया गया तो पुलिस आपको अरेस्ट भी कर सकती है। 41A का नोटिस क्या बोलता है? क्या आपको पुलिस डायरेक्ट रूप से अरेस्ट कर लेगी अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं और आपको मिलता है 41A का नोटिस, या फिर अगर आप जाते हैं 41A के नोटिस पर किसी भी पुलिस स्टेशन या कहीं पर भी जिस एजेंसी ने आपको बुलाया है, तो क्या वो आपको अरेस्ट कर ही नहीं सकते? क्या बोलता है अपने देश का कानून, क्या बोलते हैं जजमेंट, आज उन्हीं सब पर हम बात करेंगे। कोशिश करूंगा कि इसी एक वीडियो से आपके सभी तरह के डाउट क्लियर हो जाए 41A नोटिस को लेकर। ज्यादा कुछ जानने के लिए CRPC 41A के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम चीटिंग एंड फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस पर डिस्कस करते हैं अपने इस चैनल पर और आपको बताते हैं आपके कानूनी अधिकार। अगर आपका भी नाम आया है किसी भी तरह के चीटिंग या फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस में, तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके बहुत काम का हो, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। सबसे पहले दोस्तों, आपको पता होना चाहिए क्या बोलता है CRPC का सेक्शन 41A, नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। मतलब किसी भी पुलिस ऑफिसर ने आपको एक नोटिस भेजा और बोला कि इस फला डेट को इतने बजे आप पुलिस स्टेशन में आए और अपनी अपीयरेंस को आप नोट करवाएं, आपका नाम आया है किसी भी केस में और किस तरह से डाउट करते हैं आपके ऊपर वो, या फिर क्या उनके पास रीजनेबल ग्राउंड्स हैं आपको बुलाने के लिए, उस लिए आपको बुलाया गया पुलिस स्टेशन में। अब सवाल ये आता है कि सर, हम पुलिस स्टेशन जाएं या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सीधा पुलिस हमें अरेस्ट कर लेगी? उसके लिए दोस्तों आपको जानना चाहिए अर्नेश कुमार का जो जजमेंट आया, अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, जिसमें बोला गया कि अप टू 7 ईयर्स या फिर लेस देन 7 ईयर्स के जितने भी मामले होते हैं उसमें पुलिस आपको एक 41A का नोटिस देगी। चीटिंग का मामला भी इन्हीं मामलों में आता है जिसमें पुलिस आपको एक नोटिस देगी, सीधा आपको अरेस्ट करेगी नहीं। और यहीं पर जब पुलिस वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो होते हैं या गाइडलाइंस होती हैं, जजमेंट्स आते हैं, जो पुलिस वाले उन्हें मानते नहीं हैं, उनके अगेंस्ट भी कुछ और गाइडलाइंस दी गई और जजमेंट्स आए। मैं एक जजमेंट का नाम आपको बताना चाहूंगा उनमें से। और जो पुलिस वाले इस 41A की अवहेलना करते हैं, नहीं मानते हैं और अपने ही कानून पर कानून को चलाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए भी एक जजमेंट आया, सतेंद्र कुमार अंटिल वर्सेस CBI। आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर फटकार भी लगाई गई और बातें भी बताई गई, जो जो पुलिस वाले इन चीजों को नहीं फॉलो करते हैं उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए, ये भी कहा गया इस जजमेंट में। अब दोस्तों बात ये आती है कि 41A का नोटिस आपके पास आए तो आप क्या करें। दोस्तों, अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना के बराबर आपकी इन्वॉल्वमेंट है, तो मेरा मानना है आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और पुलिस के पास जाकर अपनी सारी बातों को बताना चाहिए। डिटेल में आप बताइए, आपने कुछ नहीं किया है तो मेरा मानना है कि पुलिस आपको ऐसे अरेस्ट करेगी नहीं। और अगर पुलिस के पास कोई रीजनेबल कोई डाउट्स है या कोई भी एविडेंसेस है तो वो पुलिस को शो करने होंगे। ऐसा नहीं कि सीधा 41A का नोटिस दे दिया तो आपको अरेस्ट कर ले। पर ऐसे बहुत सारे मुकदमों में, ऐसे बहुत सारे मामलों में देखा गया है कि 41A का जब नोटिस आया और जब वो व्यक्ति गया पुलिस स्टेशन में तो पुलिस ने उसको बिठा लिया, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, ऐसा भी देखा गया है। एंटीसिपेटरी बेल के लिए सीधा चले जाना अगर आपके पास 41A का नोटिस आया है, तो मेरा मानना है सीधा ही आपको 41A का नोटिस मिलते ही एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये मामला बिल्कुल ही गलत है और मेरे अगेंस्ट जो कार्रवाई हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल झूठा फर्जी मामला है, तो आपको क्वेशिंग में जाना चाहिए। किसी भी हाईकोर्ट में जाकर आप 482 में जो आप क्वेशिंग एक लगाएंगे उससे आपको केस बाहर निकाला जा सकता है। 41A के नोटिस का पालन आप करें, क्योंकि पालन आप अगर नहीं करेंगे तो उसके बाद में अरेस्ट वारंट इशू होगा, 82 की प्रोसीडिंग भी आपके अगेंस्ट चला दी जाएगी। 82 क्या होता है, भगोड़ा कब करार देते हैं, उस पर डिटेल मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप देख लेंगे तो बेहतर होगा। और आपके साथ 41A जैसी कोई घटना अगर हुई है, आपके पास कोई नोटिस आया है, उसके बारे में आपका क्या था एक्सपीरियंस या क्या बताना चाहते हैं,
कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हमें उसका भी इंतजार रहेगा। हो सकता है उन चीजों से और लोगों को कुछ सीखने को मिले। अब दोस्तों होता क्या है, कब कब आपके पास 41A का नोटिस आता है। मान लीजिए कि कोई भी FIR हुई, FIR में आपका नाम है और मामला था जिसकी क्या कैद जो होती है, मतलब सजा जो होती है 7 साल तक या फिर 7 साल से कम थी, वहां आपको 41A का नोटिस आएगा। या फिर जिस FIR में आपका नाम तो नहीं पर आपका नाम पुलिस के सामने आपका नाम आया और संदिग्ध हो आप उस केस में, तो भी पुलिस आपको 41A का नोटिस देगी। या फिर कोई भी अपराध जो हुआ उस अपराध को रोकने के लिए आपका कोई नाम आ गया किसी भी अपराध में, अब उस अपराध को रोकना है पुलिस को, तो वहां पर भी 41A का नोटिस आपको सर्व कर दिया जाएगा और आपको पुलिस स्टेशन जाना होगा। हालांकि बहुत सारे स्टेट में मैंने देखा है कि पुलिस वाले 41A को सीरियसली लेते नहीं है, बस उनका काम यह है कि अगर FIR कटी है सीधा तरीके से अरेस्ट कर लो। ऐसी अगर कोई अरेस्ट होती है तो ऐसी अरेस्ट का आपको चैलेंज करना चाहिए, आपको हाई कोर्ट तक जाना चाहिए और ऐसे पुलिस वालों के अगेंस्ट कंप्लेंट भी आपको हालांकि करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस भी बाउंड है उसी तरह से कानून को फॉलो करने के लिए, उसी तरह से कानूनी प्रोसीडिंग्स को फॉलो करने के लिए जैसे बाकी लोग हैं। 41 हो या 41A हो, एसेंशियल पार्ट बन जाता है आर्टिकल 21 का। आपकी आज़ादी, जो आपकी दैहिक आज़ादी जो है, स्वतंत्रता जो आपको मिली है, आप स्वतंत्र हैं, ऐसे ही कोई आपकी आज़ादी छीन नहीं सकता, तो आपका जो आर्टिकल 21 है वो भी यहाँ पर हिट करता है। अब दोस्तों बात ये आती है कि 41A का नोटिस आपको सर्व किया गया, 41A का नोटिस पुलिस वाले ने आपको दिया, अब आप क्या करेंगे उसमें। दोस्तों सबसे पहले आप ये बात मानिए कि जो भी कुछ लिखा है 41A के नोटिस में उसका आपको पालन करना चाहिए। आपने कोई अपराध नहीं किया है, आपका नाम आया है तो आपको जाना चाहिए और आप पूरी बात आपको बतानी चाहिए पुलिस वाले को, ऐसे ही पुलिस आपको अरेस्ट करेगी नहीं। बट बहुत जगह ऐसा भी देखा गया है कि पुलिस को आप पूरी बात बताते हो उसके बावजूद भी पुलिस आपको अरेस्ट करती है। यहाँ पर एंट्री होती है आपके वकील साहब की, जो आपको थाने से आसानी से निकाल कर ला सकते हैं। 41D में ये बताया गया है कि किसी को भी अपने पसंदीदा या फिर जिससे आप चाहते हैं केस की पैरवी करवाना, उन वकील साहब से मिलने का आपको पूरा अधिकार है। और मेरा मानना तो यह है 41A का नोटिस अगर आपके पास आया है तो आपके कोई जानकार हैं जो कानूनी जानकार हैं या वकील साहब कोई आपकी जानकार हैं, आप उन्हें साथ लेकर जाएं। हो सकता है कि आपके साथ कोई मिसहैपनिंग होने वाली हो तो उस चीज से आप बच जाएं, अगर आपके वकील साहब होंगे तो कानूनी टर्म्स को यूज करके आपको वहां से वो निकाल कर जरूर ले आएंगे। हालांकि 41A के तहत सीधा पुलिस ऐसे आपको अरेस्ट करेगी नहीं, और अगर सीधा आपको अरेस्ट करती भी है तो पहले आपको उसका रीजन बताना पड़ेगा, आगे भी रीजन लिखकर देना होगा कोर्ट में कि क्यों उस व्यक्ति को अरेस्ट किया है। और कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि जहां पुलिस आपको सीधा अरेस्ट नहीं कर सकती और पुलिस अरेस्ट करती है, जैसे कि हमारे केस में ऐसा हुआ था कि सिर्फ चीटिंग का मामला था, उसमें सीधा एक बार पुलिस दूसरे स्टेट की दिल्ली आई। दिल्ली आने के बाद जैसे मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया तो मजिस्ट्रेट साहब ने ही वो जो अरेस्ट हुई तो उसका अरेस्ट का होने नहीं दिया और बोला कि पहले आप 41A का नोटिस सर्व कीजिए, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन ये ज्वाइन करें, उसके बाद ही आप अरेस्ट करें, ऐसे सीधा आप अरेस्ट ना करें। ऐसे अगर कोई पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो यहाँ पर आपके वकील साहब आपकी मदद कर पाते हैं। बस वकील साहब को आपके पूरे मैटर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि 41A की अवहेलना करना पुलिस को भारी पड़ सकता है और इन बातों को आप खड़े होकर कोर्ट में बोल पाओगे नहीं, यहाँ आपके वकील साहब ही आपकी मदद कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ बहुत बार आप लोग भी गलतियां करते हो, जैसे कि नीम हकीम खतराए जान जिसे बोलते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे लोग जो कानून के बारे में सही ढंग से या पूरी बात को जानते नहीं है, उनकी एडवाइस में आकर आप फरार हो जाते हो और यहीं से आपके साथ प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाती हैं, प्रॉब्लम्स का सामना और ज्यादा आपको करना पड़ता है। और जब पुलिस आपको अरेस्ट करती है 41A का नोटिस देने के बाद भी, तो यहाँ वैलिड रीजंस बताती है। रीजंस क्या हो सकते हैं, जैसे बोलते हैं कि सर अगर इसको छोड़ दिया तो यहाँ पर वो एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ कर सकता है या एविडेंसेस को गायब कर सकता है, ये भी रीजन हो सकता है। फरार होने का खतरा है उस व्यक्ति का जिसको 41A का नोटिस दिया था, वो भी आया तो है पर हमें उस पर शक है वो फरार हो जाएगा, ये कहकर भी पुलिस काफी बार अरेस्ट कर लेती है। अगर हमने इसको यहाँ से छोड़ दिया तो गवाहों को जाकर डराएगा, धमकाएगा, इंड्यूसमेंट करेगा या फिर किसी भी तरह से अपनी साइड ले लेगा और केस पर पूरा प्रभाव पड़ेगा, ये भी एक बात होती है पुलिस की कई बार। और ऐसी कई सारी संभावनाओं को सामने पुलिस ले आती है जिनको दिखाकर पुलिस वहां पर उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लेती है जिसको 41A का नोटिस दिया था। हालांकि सीधा आपको एंटीसिपेटरी बेल की तरफ नहीं भागना चाहिए, अगर आपके अगेंस्ट कुछ भी नहीं है क्वेश्चनिंग पर जाओ, आपको रिलीफ मिल जाएगा, या फिर एंटीसिपेटरी पे आपको जाना है और आपको लगता है कि एंटीसिपेटरी से आपको रिलीफ मिल जाएगा, एंटीसिपेटरी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रावधान है आपके पास। पर मेरा मानना है इन सब चीज़ों को करने से पहले
किसी भी अच्छे कानूनी जानकार से सलाह आप जरूर लें। सलाह ले लेंगे तो मेरा मानना है कि जो अरेस्ट या फिर आगे जाके प्रॉब्लम्स आपके साथ बढ़ सकती हैं, उन सभी समस्याओं से आप बच सकते हो। आपके साथ जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनका निवारण या फिर उनका हल आपको आसानी से मिल सकता है। दोस्तों, आप क्या जानना चाहते हैं? क्या आपको कभी 41A का नोटिस मिला है, या आप जानना चाहते हैं किसी पुलिस वाले ने आपके साथ गलत किया कंप्लेंट, उनकी आप कैसे करेंगे? कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जरूर पूछना। कोई सलाह चाहते हैं आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें या अपने कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल को पूछें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे और कोशिश करेंगे आपको भी जानकार बनाने की, जो भी कोई प्रॉब्लम्स आपके साथ हुई है उसके सॉल्यूशन आपको प्रॉपर तरीके से देने की। दोस्तों, अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके, और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम आपके लिए करा सकें सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए।